हेलो एवरीवन, दिस नील फ्रॉम स्टॉक सेटेलाइट। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट कैसा गया, कल मार्केट कैसा जा सकता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, कल इंट्राडे के लिए कौन कौन सा स्टॉक अच्छा मोमेंटम दे सकता है और कल एक्सपायरी भी है तो मार्केट कहाँ पे अप डाउन कर सकता है, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी में अराउंड 80 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग देखने के लिए मिला, लेकिन एंड ऑफ द डे बहुत ही अच्छा रिकवरी भी दिखा। 132 पॉइंट फाइनली ऊपर आके बैंक निफ्टी ने 43,331 का फाइनल क्लोजिंग दिया है। अपर साइड में 43,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक करता है तो अपसाइड में एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं, एक्जैक्टली कल के लिए क्या प्लान रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, 43,000 से लेके 43,100 विल बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसके नीचे 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज करेगा, हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। इजीली 150 से लेकर 200 पॉइंट्स का एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। मार्केट ने बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग का टारगेट हिट किया। 820 का लो लगाने के बाद मार्केट ने स्लो एंड स्टडी अच्छा अपसाइड मोमेंटम किया है और डे जो हाई था उसी लेवल के आसपास मार्केट ने कहीं ना कहीं क्लोज किया है। हम लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा, मार्केट फ्लैट खुले, छोटा मोटा गैप अप खुले, मतलब 500 के नीचे कहीं पे खुले और यहाँ पे बहुत देर तक टाइम बिताए, उसके बाद अगर 500 का लेवल ब्रेकआउट करता है ना, क्योंकि वाई भी पुट साइड में थोड़ा एग्रेसिव दिख रहा है, तो अगर ऊपर साइड में ब्रेकआउट करता है जितने लोगों का स्टॉप लॉस 500 के ऊपर होगा हिट होना स्टार्ट होगा, यहाँ से एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मार्केट दिखा सकता है। फर्स्ट टारगेट 600 620 ये सारा लेवल रहेगा, उसके ऊपर 700 720 का नेक्स्ट टारगेट, फिर 800 820 का नेक्स्ट टारगेट, ये तीनों टारगेट मार्केट अपर साइड में दिखा सकता है। अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप खुल गया लाइक 250 300 पॉइंट्स के ऊपर अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तब हम लोग थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे स्विंग भी पॉजिटिव साइड में दिख रहा है, बहुत लोग यहाँ पे कॉल साइड में पोजिशन होल्ड करके बैठे हैं, तो ओवरनाइट अगर गैप अप खुलता है तो बहुत लोग प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मैक्सिमम लोग ले नहीं ना चाहते। तो 1 मिनट का ब्रेकडाउन पे हम लोग यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, मतलब वोट बाई कर सकते हैं, ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के नीचे की साइड में आज का डे का क्लोजिंग यहाँ पे जो ट्रेड लाइन फॉलो हो रहा है इस ट्रेड लाइन के पास भी मार्केट सपोर्ट लेने आ सकता है, फिर यहाँ पे आके कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है उस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और एक केस में हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट नीचे की साइड में 43,100 का जो स्ट्रॉन्ग स्विंग मार्केट ने लगाए अगर ये ब्रेक करता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 40,100 या 80 के आसपास या 120 के आसपास, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद 43,100 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है नीचे, तब हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड में थोड़ा प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 43,000 का लाउन लेवल, फिर 42,900, देन 42,800, 820 ये सारा लेवल मार्केट नीचे की साइड में दिखा सकता है। लेकिन याद रखिए, जब तक हम लोग 43,000 के नीचे सस्टेन नहीं करते तब तक हम लोग एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे। जब मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करके 43,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तब हम लोग थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं एग्रेसिव साइड पे। और अगर आज का डे का लो ब्रेक करता है तब यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग ट्रिगर हो सकता है जो इजीली 200 से 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में फॉल दिखा सकता है, लेकिन वो लेवल अभी भी दूर है तो उसके लिए अभी उतना बात करके फायदा नहीं है। तो अगर मार्केट इसी जोन पे ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है, फर्स्ट आवर पे छोड़ दीजिए उसको, मार्केट को एक रेंज बनाने दीजिए, उस रेंज का ब्रेकआउट में ट्रेड प्लान कीजिए, इजीली आपको मार्केट में 150 से लेकर 200 पॉइंट का मोमेंटम आपको कैप्चर करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। निफ्टी में भी सिमिलर मोमेंटम देखने के लिए मिला, अराउंड 50-60 पॉइंट्स के आसपास मार्केट गैप अप खुला, बहुत ही तगड़े लेवल का सेलिंग दिखाया था, प्रीवियस लो भी मार्केट ने क्रॉस किया था, लेकिन एक्जैक्टली मार्केट ने 200 लेवल जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था उसी लेवल से मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट लेकर अपसाइड में रिकवर किया है और फाइनल क्लोजिंग 18,315 का दिया। और कल से हम लोग 50 पॉइंट प्लस में आके ट्रेड कर रहे हैं, अपर साइड में 350 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मार्केट दिखा सकता है एटलीस्ट 70 से लेकर 100 पॉइंट का। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते एक्जैक्टली कल के लिए क्या प्लान रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हिट द लाइक बटन, जिन्होंने भी कल के एनालिसिस फॉलो किया होगा, निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कल के एनालिसिस को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। हम लोगों ने डिस्कस किया था 18,200 वेरी गुड सपोर्ट लेवल, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आता है या फ्लैट खोल के नीचे आता है रदर देन सेलिंग इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैं यहाँ पे बाइंग के लिए आप लोगों को सजेस्ट किया था, अगर आप कल का एनालिसिस देखते हो आपको पता चल जाएगा यहाँ से अगर आप लोग छोटा से छोटा भी कैप्चर करें तो इजिली आपको 50 से लेकर 60 पॉइंट्स का आपको मोमेंटम यहाँ पे मिला होगा डायरेक्शनल, फिर यहाँ पे छोटा स्विंग लेके फिर मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम किया एक्जैक्टली लाइक बैंक निफ्टी डे हाई के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। अपर साइड में 350 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो हम लोग मैं फिर से वो सारा चीज रिपीट नहीं करना चाहता तो शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ, फ्लैट खुले छोटा मोटा गैप अप खुले दोनों केसेस में बाइंग साइड में प्लान करेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में प्लान करेंगे कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे, ऑप्शन सेलर से यहाँ पे ऐड हो जाए, यहाँ पे कॉल साइड में पोजीशन बनाए, पुट साइड में पोजीशन बनाए, साइडवेज हो जाए जस्ट टू डिके द प्रीमियम। जब यहाँ पे कोई भी साइड में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलेगा ना तब हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है, इजिली 70 से लेके 100 पॉइंट्स का एक मोमेंटम मार्केट दिखा सकता है अगर ये ऊपर साइड में ब्रेकआउट करता है, और यहाँ पे थोड़ा वाई भी हम लोगों को पुट साइड में ज्यादा दिख रहा है तो देर इज ए हाई पॉसिबिलिटी मार्केट ऊपर साइड में ब्रेकआउट करे, लेकिन नीचे भी ब्रेकडाउन करता है तब भी हमें ट्रेड के लिए रेडी रहना है।
अभी और एक केसेस में हम लोग सेल कर सकते हैं, जैसा मैंने निफ्टी में बात किया, अगर ओवरनाइट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, जितने लोग यहाँ पे पोजिशनली होल्ड करके बैठे हैं ओवरनाइट प्रॉफिट के कारण, वो लोग प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे एज द फर्स्ट सोर्स, तो तब मैं यहाँ पे 1 मिनट के कैंडल के ब्रेकडाउन पे थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। आज का डे का क्लोज ये जो ट्रेड लाइन फॉलो है सारा लेवल के पास आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ तक हम लोग का टारगेट रहेगा। फिर यहाँ पे आके क्या प्राइस एक्शन बन रहा है उसके ब्रेकआउट में नेक्स्ट डे हम लोग प्लान कर सकते हैं। और एक केसेस में हम लोग सेल कर सकते हैं अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, 18,250-260 विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्विंग बना के ऊपर गया था, गैप डाउन खुल के यहाँ पे थोड़ा रुक जाए उसके बाद 18,250 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, हम लोग एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे, क्वांटिटी को कम करके ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो चल रहा है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है, तो छोटा सा टारगेट नीचे की साइड में 18,220-210 के आसपास रहेगा। फिर 18,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इसके नीचे मार्केट कोई कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ से फिर से एग्रेसिव सेलिंग हम लोग कर सकते हैं, नीचे की साइड में 18,150-160, देन 18,110-100, ये सारा लेवल मार्केट नीचे की साइड में दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी कल के इंट्राडे सेशन के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास होल्ड कर रहा है, आज सेलिंग आया था लेकिन अच्छा खासा मार्केट ने एक पुल बैक किया है। अभी अगर फ्लैट खोल के डे हाई क्रॉस करता है हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं, 899-900 तक का अपर साइड में टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोग के लिए हिंदाल्को। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे एम पैटर्न फॉर्म किया है, फ्लैट खोल के डे लो क्रॉस करता है या ये जो रेजिस्टेंस है 432.50 का ये ब्रेक करता है, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं, 429.25 या 429 तक का नीचे की साइड में टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोगों के लिए वेदांता। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले चुका है और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है, फ्लैट खोल के इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक करता है या 288 का हाई ब्रेक करता है या लेवल ब्रेक करता है, हम लोग इसको बाई कर सकते हैं, 290 तक का अपर साइड में टारगेट रहेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।